आदरणीय बंधुओं, अशुद्ध के विरुद्ध युद्ध नामक शीर्षक के क्रम में आज गेहूं के आटे में हो रही मिलावट से सचेत रहने की चर्चा इस वीडियो में करते हैं। शिवा मिशन न्यास के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको जानकर यह दुखद आश्चर्य होगा कि गेहूं के आटे में अक्सर चाक पाउडर, खड़िया, मिट्टी, खरपतवार के बीज, घटिया एवं क्षतिग्रस्त अनाज, मैदा, कंकड़ और बोरिक पाउडर जैसे पदार्थों की मिलावट की जाती है। क्योंकि गेहूं के आटे को यदि 2 माह से अधिक स्टोर किया जाए तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अतः कीड़े से बचाने के लिए पैक्ड आटे में एक केमिकल बेंजोइल पराक्साइड, जिसे फ्लोर इम्प्रूवर भी कहते हैं, इसकी परमिसेबल लिमिट 4 मिलीग्राम है, लेकिन आटा बनाने वाली फर्म 400 मिलीग्राम तक मिला देती हैं, जो हमारी किडनी के लिए अत्यंत घातक होता है। यदि आप गेहूं का आटा पिसवाकर 2 माह तक स्टोर करें तो उस आटे में कीड़े पड़ जाएंगे, किंतु पैक्ड आटा तो 6 से 8 माह तक सुरक्षित रहता है, क्योंकि इसमें निर्धारित मानक से 100 गुना तक केमिकल मिलाया जाता है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि खून चेक करने वाली लेबोरेटरी तो गली गली में मिल जाएंगी, किंतु खाद्य पदार्थों में मिलावट की जांच करने के लिए एक भी लेबोरेटरी नहीं मिलेगी। अतः यदि आप अपने परिवार के स्वास्थ्य की सुरक्षा चाहते हैं तो स्वयं सीधे व्यापारी से गेहूं खरीदकर अपना आटा पिसवा कर खाएं। नियमानुसार आटे को खराब होने का समय ठंड के दिनों में 30 दिन, गर्मी के दिनों में 20 दिन एवं बरसात के दिनों में 15 दिन बताया गया है। यदि आप आटे में मिलावट की जांच घर पर ही करना चाहते हैं तो 1 चम्मच में आटा लेकर उसके ऊपर नींबू के रस की कुछ बूंदें डालें। यदि आटे में बुलबुले बनते हैं तो समझ जाएं कि आटे में खड़िया मिट्टी मिलाई गई है। दूसरी विधि है, बाजार से हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेकर 1 टेस्ट ट्यूब में थोड़ा आटा डालकर उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालें एवं टेस्ट ट्यूब को हिलाएं। यदि उसमें छानने वाली चीज़ मिले तो आटे में मिलावट है। अतः आपसे शिवा मिशन न्यास का अनुरोध है कि हमारे जीवन में प्रतिदिन दोनों समय गेहूं के आटे का प्रयोग होता है, तो घर के स्वामी का यह दायित्व बनता है कि अपने परिवार के पेट में प्रतिदिन मिलावटी खाद्य पदार्थों को जाने से रोके। यदि आपको चक्की के पिसे आटे का प्रबंध करने में असुविधा होती है तो अपने घर में आप AC, फ्रिज, माइक्रोवेव की तरह एक छोटी आटा पीसने की चक्की और क्रय कर लें और शुद्ध व ताजे आटे का सेवन करें। यदि जनहित में जारी यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें एवं शिवा मिशन न्यास के इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन अवश्य दबाएं। बोलिए ओम नमः शिवाय।